और जैसा कि पेपर पैटर्न अब की बार एमसीक्यू है, तो आज हम भाई जो हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके ऊपर जो बेस्ड हमारे एमसीक्यूज है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके आंसर की मैं दूंगा। तो कमेंट करके उससे पहले ज़रूर बता दें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि के केमिस्ट्री की डेट शीट आ चुकी है और फर्स्ट जो पेपर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और एमडीयू की भी डेट शीट आने वाली है, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की जो डेट शीट है वो आने वाली है। और जैसा कि पेपर पैटर्न अब की बार एमसीक्यू है, तो आज हम भाई जो हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके ऊपर जो बेस्ड हमारे एमसीक्यूज है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। बेसिकली सजेस्ट करूँगा मैं आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको कहीं से एमसीक्यू मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि भाई जैसा कि पहली बार जो है ऐसा हो रहा है कि फाइनल ईयर के केस में एमसीक्यूज के बेस पेपर लिया जा रहा है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको 35 एमसीक्यूज बताऊंगा। आपको करना क्या है, साथ के साथ आपका जो आंसर है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मान लिया आंसर है ए, तो आप ए कमेंट कर देंगे वन लिख के। दूसरे का मान लिया बी है, कोशिश करें साथ के साथ जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है उसका आंसर साथ के साथ कमेंट में लिखें। अगर ऐसा होता है कि भाई किसी ने मान लिया बायो इनऑर्गेनिक रिवाइज नहीं की है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार बायो इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लें, ताकि आपको ये पता ये आइडिया हो सके कि भाई आपकी जो तैयारी है वो कितनी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है भाई हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन। किन में से कौन जो है भाई एज एन एंटासिड एसिड यूज होता है मेडिसिन के अंदर। ऑप्शन ए है भाई हमारा लाइम वाटर, ऑप्शन बी है भाई हमारा सोडा लाइम, ऑप्शन सी है भाई हमारा मिल्क ऑफ लाइम, और ऑप्शन डी है भाई हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो आपका जो भी जवाब है फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सेकंड क्वेश्चन, विटामिन B12 कंटेन, ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी निकल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व फॉर मायोग्लोबिन एंड होमोग्लोबिन आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, ऑप्शन ए कर्व होती है हाइपरबोलिक एंड सिग्मोइडल, ठीक है, ऑप्शन बी सिग्मोइडल एंड हाइपरबोलिक, ऑप्शन सी हाइपरबोलिक, ऑप्शन डी सिग्मोइडल एंड सिग्मोइडल। फटाफट अपना आंसर लिखते रहे भी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट रिगार्डिंग द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सा भाई फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। ऑप्शन ए है भाई हमारा एंजाइम नाइट्रोजिनेज, ऑप्शन बी है भाई हमारा स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, ऑप्शन सी है भाई हमारा एटीपी, और ऑप्शन डी है भाई हमारा एरोबिक कंडीशन। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो आप चूज करें। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन अभी हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग आयरन कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर इन्वॉल्व होता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ऑप्शन ए है हमारा मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी है भाई हमारा फेरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी है भाई हमारा फेरिंटीन, और ऑप्शन डी है भाई हमारा ट्रांसफेरिडीन। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे भाई ट्रांसफेरिन, तो आपको आसानी से इनके जवाब जो है मिल जाएंगे। उसके बाद सिक्स्थ जो
क्वेश्चन अभी वो थोड़ा सा लेंथी है, सिक्स क्वेश्चन में भाई हमको मैच करना है, ठीक है। आपको जो है कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं और आपको उसमें से बुक्स के साथ मैच करना है। तो क्वेश्चन क्या हमारा मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन सिक्स है हमारा मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है भाई हमारा लीवर एल्कोहल डीहाइड्रोजनेस डीहाइड्रोजनेट, ऑप्शन बी साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेस, ऑप्शन सी हेमोसाइनी एंड ऑप्शन डी मायोग्लोबिन, ठीक है। इसके सामने दे रखा है नंबर वन जिंक एट एक्टिव साइट, सेकंड एफई एंड कॉपर एट एक्टिव साइट, थर्ड कॉपर एट एक्टिव साइट और फोर्थ है भाई हमारा एफई एट एक्टिव साइट। तो ऑप्शन है भाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए, ए के लिए ऑप्शन वन, बी के टू, सी का थ्री और डी का फोर। ऑप्शन बी है भाई हमारा ए का फोर सही है, बी का थ्री सही है, सी का टू सही है और डी का वन सही है। ऑप्शन सी है भाई हमारा ए का टू सही है, बी का वन सही है, सी का थ्री सही है और डी का फोर सही है। ऑप्शन डी है भाई हमारा ए का फोर सही है, बी का थ्री सही है, सी का वन सही है और डी का टू सही है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद सेवन क्वेश्चन है भाई हमारा द कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताना भी इन विच ए मेटल आयन हेल्ड बाई पोरफायरिन रिंग सिस्टम, पोरफायरिन रिंग सिस्टम आर कॉल्ड एज, क्या नाम दिया जाता है उस सिस्टम को, उसका नाम बताना भी। ऑप्शन ए है भी हमारा मेटलो पोरफायरिन, मेटलो पोरफायरिन, ऑप्शन बी है भी हमारा पोरफिन्स, ऑप्शन सी है भी हमारा इनऑर्गेनिक पॉलीमर और ऑप्शन डी है भी हमारा नन। तो इनमें से आपको बताना भी वो कॉम्प्लेक्स इसके अंदर कोई भी जो मेटल आयन है वो ऐड कर दी जाती है पोरफायरिन रिंग, तो उसको क्या बोला जाता है, मेटलो पोरफायरिन, पोरफाइन्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर और नन। उसके बाद एट क्वेश्चन आता है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे रखी है भाई एंड चूज द करेक्ट वन, और आपको भाई सही आंसर बताना है। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, अगर किसी ने चैप्टर रिवाइज नहीं किया पहले चैप्टर रिवाइज करें फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और मेरे को बताएं 35 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा 35 सेकंड पार्ट में कराऊंगा, तो मेरे को बताएं कि भाई आपके 35 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, ठीक है। ऑप्शन ए अभी हमारा या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट है पोरफिन्स कैन फोरम, पोरफिन्स कैन फोरम कॉम्प्लेक्स विद ए डाई पॉजिटिव कैटायन, विद ए डाई पॉजिटिव कैटायन लाइक Mg2 पॉजिटिव एंड Ni2 पॉजिटिव, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है भाई हमारा द नेचर ऑफ मेटालो पोरफायरिन, नेचर ऑफ मेटालो पोरफायरिन वेरी डिफरेंट होती है भाई विद द नेचर ऑफ मेटल आयन, विद द नेचर ऑफ मेटल आयन एंड द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन पोरफायरिन स्ट्रक्चर, ऑन पोरफायरिन स्ट्रक्चर। ऑप्शन है भाई हमारा ए है वन ओनली, ये भाई फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, बी ऑप्शन है भाई हमारा टू ओनली, सेकंड स्टेटमेंट सही है, सी है भाई हमारा बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही है, डी है भाई हमारा नन, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपको इसमें से चूज करना है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन आता है हमारा ए मेटल आयन ऑफ अप्रोप्रिएट साइज, ऑफ
एप्रोप्रिएट साइज विल फोरम फिल इन द ब्लैंक अभी यहाँ पे डैश 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 कॉम्प्लेक्स विद ए पोर फायरिंग लिगेंड। इन मेसेज अभी अगर कोई अप्रोप्रिएट साइज का कोई मेटल आयन आता है तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा पोर फायरिंग लिगेंड के साथ में वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? ऑप्शन ए वो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ऑप्शन बी वो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ऑप्शन सी वो एक ट्राइगोनल कॉम्प्लेक्स होगा और ऑप्शन डी नन ऑफ दियो, इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन अभी हमारा द मेटल आयन प्रेजेंट इन द पोर फायरिंग रिंग सिस्टम इन क्लोरोफिल एंड हेमी रिस्पेक्टिवली आर। आपको बताना है अभी जो मेटल आयन होगी पोर फायरिंग रिंग में क्लोरोफिल और हेमी के अंदर कौन सी होगी? ऑप्शन ए मैंगनीज 2 पॉजिटिव एंड एमजी 2 पॉजिटिव, ऑप्शन बी Fe2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी Mg2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी Cu2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव। क्लियर है? तो था भी हमारा 10th क्वेश्चन। एक बात और भाई, अगर ऐसा होता है कि भाई मान लिया जो वीडियोज उसके व्यूज ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो मैं सोचूंगा भाई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है MCQs की स्टूडेंट की तो नेक्स्ट सीरीज नहीं बनेगी, इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं, क्योंकि अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है तो ही वीडियोस बनाने का फ़ायदा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके इन वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो एग्ज़ाम से पहले अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर है? इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है। एक बात और भाई, नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड होगा उसके अंदर इसकी आंसर की पहले बता दी जाएगी कि ये आंसर हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन किए थे और फिर नेक्स्ट 35 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। क्लियर है? इसके बाद हमारा जो 11th क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। क्या अभी हमारा 11th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करंट वन। हमने फिर से स्टेटमेंट दे दी उसके अंदर से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या अभी हमारा, मायोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन होमोग्लोबिन। स्टेटमेंट टू है हमारी, होमोग्लोबिन एग्जिस्ट एज ए डाइमर ऑफ मायोग्लोबिन लाइक प्रोटीन्स। क्लियर है? और थर्ड वन है हमारा, थर्ड स्टेटमेंट है, डी ऑक्सीजनेटेड होमोग्लोबिन यूजेज Some of its amino groups to fix CO2 back to lungs। तो ऑप्शन से भी हमारा कि ऑप्शन ए अकेला सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली, फर्स्ट और थ्री स्टेटमेंट सही है, और डी है वन टू एंड थ्री, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आपको बतानी है इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। 12th क्वेश्चन हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड शुड हैव CO शुड हैव 200 फोल्ड का मतलब है भाई एक प्रकार से मल्टीप्लाई में या गुणा में हो सकता है, 200 फोल्ड ग्रेटर एफिनिटी फॉर Hb यानी होमोग्लोबिन देन O2, but it is not observed because इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए CO is very strong pi acceptor but weak sigma donor। ऑप्शन बी अभी हमारा, O2 binding site in homoglobin
कैन अकमलेट बेंट चेन ओनली, कैन अकमलेट ए बेंट चेन ओनली। सी ऑप्शन है हमारा, सी ओ इज न्यूट्रल लिगेंड इसलिए ऐसा होता है, और ऑप्शन डी है भाई हमारा नन ऑफ दी अब, नन ऑफ दी अब। तो आपको बताना है कैसे कि CO2 की जो एफिनिटी है वो लगभग 200 फोल्ड ग्रेटर होती है होमोग्लोबिन के साथ O2 के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ये देखने को नहीं मिलती, इसका रीजन क्या है? आपको रीजन बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 13 में द साइनाइड आयन इज ए पावरफुल पॉइजन, ये जो साइनाइड आयन होता है भाई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है वाही। ऑप्शन ए भाई इसका, कोऑर्डिनेशन ऑफ CN नेगेटिव टू Fe2 इज इरिवर्सिबल इन नेचर, कि जैसे ही साइनाइड अगर कोई निकलता है तो Fe2 के साथ उसकी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है नेचर के अंदर, वो रिवर्स नहीं हो पाती, इस प्रकार इस कारण से स्ट्रॉन्ग जो है एक प्रकार से पॉइजन है। ऑप्शन बी CN नेगेटिव आयन इज ए वीक पाई एसेप्टर, इज ए वीक पाई एसेप्टर। ऑप्शन सी, सी एम हमारा CN नेगेटिव आयन इज नॉट कवर्ड बाय प्रोटीन चेन, नॉट कवर्ड बाय प्रोटीन, सॉरी भी CN नेगेटिव आयन कैन नॉट आई अवे, कैन नॉट रिप्लेस O2 फ्रॉम बोन, कैन नॉट रिप्लेस O2 फ्रॉम ए बोन। और ऑप्शन डी है भी हमारा ऑल ऑफ अबव, सभी रीजन सही है। उसके बाद 14 क्वेश्चन आता है हमारा, Fe2 साल्ट्स अंडरगो इजिली ऑक्सीडेशन, अंडरगो इजिली ऑक्सीडेशन इन एयर बट इट इज नॉट इन एच बी, लेकिन ऐसा किसके अंदर नहीं होता, होमोग्लोबिन के केस में या मायोग्लोबिन के केस में, बिकॉज इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए Fe2 इज प्रोटेक्टेड बाई प्रोटीन चेन, इसको प्रोटेक्ट किया गया है प्रोटीन चेन के द्वारा विच इज ए हाइड्रोफोबिक। ऑप्शन बी है भी हमारा Fe2 आयन कैन नॉट ए बाइंड विद ए पोरफायरिंस, वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता है हमारा। ऑप्शन सी है भाई Fe2 आयन इज नॉट कवर्ड बाय प्रोटीन चेन, नॉट कवर्ड बाय प्रोटीन चेन। और ऑप्शन डी है अभी हमारा ऑल ऑफ अबव, क्लियर है। उसके बाद 15 क्वेश्चन आता है हमारा, हाई स्पिन Fe2 डी ऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन ए इज ए स्मॉलर और लोअर स्पिन Fe2 ऑक्सी मायोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी अभी हमारा इज बिगर देन, समालर की जगह क्या लिख देंगे भाई, बिगर देन लो स्पिन Fe2 ऑक्सी मायोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सी अभी हमारा मे बी बिगर, वो बड़ा भी हो सकता है, और मे बी स्मॉलर देन लो स्पिन Fe2 ऑक्सी मायोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, और लास्ट अभी हमारा नॉन ऑफ ए अबो। तो इनमें से आपको भी राइट आंसर चूज करना है, क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा 16th क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई आंसर्स जो है आप साथ के साथ लिखते रहें अपनी पेन या कॉपी के ऊपर,
आप जो है या साथ के साथ कमेंट भी कर सकते हो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आंसर, और जो जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इन क्वेश्चन का जो आंसर है मैं पहले बता चुका हूँ भाई आपको, जो है नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उस वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपका इन क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। उसके बाद आता हमारा भाई 16th क्वेश्चन, क्या कहता है 16th क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस नेम यूनिट टू इंक्रीज द एफिनिटी फॉर O2 इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए कोऑपरेटिविटी, ऑप्शन बी एन टू फिक्सेशन, ऑप्शन सी आयन ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 17, क्या कहता है क्वेश्चन 17, द फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन अल्फा इज क्या होती है, ऑप्शन ए अल्फा होगा भाई हमारा MbO2 / Mb, ऑप्शन बी अल्फा होगा भाई हमारा Mb/MbO2, ऑप्शन सी होगा भाई हमारा अल्फा बराबर है MbO2 / Mb + MbO2, और डी होगा भाई हमारा अल्फा बराबर है Mb + MbO2 / Mb O2, ठीक है। उसके बाद 18 क्वेश्चन आता है हमारा अकॉर्डिंग टू बोहर इफेक्ट, कि बोहर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए है भाई एफिनिटी ऑफ होमोग्लोबिन फॉर O2 डिक्रीज विद इंक्रीज इन pH, जो एफिनिटी है भैया होमोग्लोबिन की O2 के लिए डिक्रीज होती है जैसे जैसे pH क्या करती है इंक्रीज करती है, ऑप्शन बी है एफिनिटी ऑफ होमोग्लोबिन फॉर O2 इंक्रीज विद इंक्रीज इन pH डज नॉट चेंज विद, ऑप्शन सी एफिनिटी ऑफ होमोग्लोबिन फॉर मायोग्लोबिन चेंज विद ए pH, और ऑप्शन डी है एफिनिटी ऑफ होमोग्लोबिन फॉर CO2 डज नॉट चेंज विद ए pH, क्या इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो आपको चूज करनी है, क्लियर है। इसके बाद आता हमारा 19th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखी है अभी हमारी तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट अभी जिंक कंटेनिंग एंजाइम्स सर्व इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कैटलाइजिंग द हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन इक्विलिब्रियम ऑफ CO2, ऑप्शन जो सेकंड स्टेट में वो अभी हमारी कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन नर्व इंपल्स एंड ए मस्कल कॉन्ट्रैक्शन, और ऑप्शन सी अभी हमारा या थर्ड स्टेटमेंट अभी हमारी कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन इज ए सॉफ्ट एसिड एंड प्रेफर टू बाइंड विद ए सल्फर एंड ए नाइट्रोजन,
ऑप्शंस हैं भाई हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है केवल, ऑप्शन सी है भाई हमारा वन एंड टू ओनली सही है, और डी है भाई हमारा सारी स्टेटमेंट्स जो हैं सही है। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा 20वां क्वेश्चन, क्या कहता है भाई, द स्पेटियल क्लोरोफिल, द स्पेटियल क्लोरोफिल इन्वॉल्व इन फोटो सिस्टम वन एंड टू आर रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है कौन सा स्पेटियल क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है फोटो सिस्टम वन और टू के अंदर। ऑप्शन ए अभी हमारा P700 and P680, बी है भाई हमारा P700 and P700, ऑप्शन सी है भाई हमारा P680 and P680, और डी है भाई हमारा P680 and P700। ठीक है, तो ये भी हमारे 20 क्वेश्चन। उसके बाद 21 क्वेश्चन भाई, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है इन क्वेश्चंस का जो आंसर है, नेक्स्ट जो बाकी के 35 क्वेश्चन अपलोड हो गए इस वीडियो के अंदर, हमने 35 क्वेश्चन जो ऑप्शनल वो करेंगे हम, और बाकी के 35 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में स्टार्टिंग में आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, या लास्ट में। उसके बाद 21 क्वेश्चन भी हमारा क्या है, सोडियम पंप इज डैश 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 इन नेचर, सोडियम पंप इज डैश डैश इन नेचर, ऑप्शन है भाई इलेक्ट्रोजेनिक, ऑप्शन बी है भाई अनसिमेट्रिकल, ऑप्शन सी है भाई हमारा एक्सोथर्मिक, और ऑप्शन डी है भाई हमारा कार्नोट इंजन। उसके बाद 22nd क्वेश्चन अभी हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ N2 फ्रॉम अमोनिया यानी NH3 और एनी रिएक्शन ऑफ N2 लीडिंग टू नाइट्रोजन बॉन्ड कोवेलेंटली, लीडिंग टू नाइट्रोजन बाउंड, सॉरी भाई नाइट्रोजन बाउंड कोवेलेंटली टू एनी अदर एटम, टू एनी अदर एटम इज कॉल्ड, उसको क्या नाम दिया जाता है भाई, ऑप्शन ए नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ऑप्शन बी भाई नाइट्रोजन ब्रेकेज, ऑप्शन सी भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड ऑप्शन डी भाई नन ऑफ अबो। तो ये भी हमारा 22nd क्वेश्चन। उसके बाद 23rd, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ N2 गैस, बायोलॉजिकल फिक्सेशन के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन ए है भाई हमारा एंजाइम नाइट्रोजिनेस, ऑप्शन बी है भाई हमारा नाइट्रोजन ब्रेकेज, ऑप्शन सी है भाई हमारा ATP, और ऑप्शन डी है भाई हमारा नन ऑफ अबव। उसके बाद 24th क्वेश्चन है भाई हमारा, रिडक्शन ऑफ N2 इन प्रेजेंस ऑफ होमोजेनस कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ होमोजेनस कैटालिस्ट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज, उसको क्या नाम दिया जाता है, ऑप्शन ए है भी हमारा नॉन बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई नॉन बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, या फिर ऑप्शन बी बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन, ऑप्शन सी
बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, क्लियर है। उसके बाद 25th क्वेश्चन आता है हमारा, द ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, ऑप्शन ए अभी हमारा नेगेटिव, ऑप्शन बी अभी हमारा एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा, ऑप्शन सी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, और ऑप्शन डी अभी हमारा जीरो। तो इस तरह से कितने हो गए अभी हमारे 25th क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा 26th क्वेश्चन, जो 26वां क्वेश्चन अभी उसमें हमें अगेन एक बॉक्स दिया गया और हमें मैच करना है राइट का लाइट के साथ कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। तो क्या बोला भाई, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है इसके अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ ए है भाई, ए स्टेटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर बाय एमिटिंग गामा रेस। सेकंड जो बी स्टेटमेंट होगा भाई, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। सी स्टेटमेंट अभी हमारी डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ थायराइड ग्लैंड ट्रीटमेंट, और ऑप्शन डी अभी हमारा डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। मैच करना है किन के साथ, फर्स्ट अभी कोबाल्ट 60, सेकंड अभी P32, थर्ड अभी I131, फोर्थ अभी Fe59। एक स्टेटमेंट और अभी हमारी ई स्टेटमेंट रहेगी, डिटेक्शन ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो फिफ्थ दे रखा भी Na23। एक काम कर लेंगे, इसको स्टेटमेंट हम ई ले लेंगे और इसको डी ले लेंगे, ये बीच में था डी हमारा, ये ऑर्डर गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए A1, B2, C3, D4, E5, ऑर्डर जैसे इनके सामने लिखा हुआ है वो ऑर्डर सही है। ऑप्शन बी है हमारा A5, B2, C4, D3, E1, ऑप्शन सी है हमारा A5, B4, C3, D2, E1, और ऑप्शन डी है हमारा A1, B5, C3, D4, E2। तो इस प्रकार से भाई हमको इनमें से बेस्ट आंसर बताना है कौन सा है। 27 क्वेश्चन आता भाई, हमें इज ए पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स ऑफ कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स है भाई, Fe2, B, या फर्स्ट ले लेते हैं भाई Zn2, सेकंड ले लेते हैं Fe2, थर्ड ले लेते हैं Mg2, और फोर्थ ले लेते हैं भाई Ca2, ठीक है। तो इनमें से किसका कॉम्प्लेक्स है भाई, हेमिन। उसके बाद 28 है भाई, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बतानी है। चार स्टेटमेंट होंगे, से तीन स्टेटमेंट है सही लेकिन एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, दो स्टेटमेंट कौन सी रॉन्ग हो आपको पहचाननी है। फर्स्ट है भाई HB इज एन O2 कैरियर, जो होमोग्लोबिन O2 कैरियर है। बी है भाई HB इज आल्सो ए CO2 कैरियर, ऑप्शन सी है भाई HB इज एन इंटरसेलुलर प्रोटीन, और ऑप्शन डी है भाई हमारा होमोग्लोबिन यूज सम ऑफ इट्स अमीनो ग्रुप्स टू फिक्स O2। आपको इनमें से भी जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करें। 29 क्वेश्चन आता है हमारा,
कोऑपरेटिविटी इज, आपको बताना कोऑपरेटिविटी क्या है। इसके ऑप्शन में वैसे बोल देता हूं मैं, वैसे इसकी डेफिनेशन होती है कोऑपरेटिविटी की, उसी से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। ऑप्शन इसका ये है भाई, कोऑपरेटिविटी क्या करता है, ऑप्शन ए है इनेबल एचबी टू बाइंड एंड रिलीज ओ2 मोर इफेक्टिव। क्या करता है भाई, इनेबल्स होमोग्लोबिन टू बाइंड एंड रिलीज ओ2 मोर इफेक्टिवली, ऑप्शन वन है। ऑप्शन बी है हमारा इनेबल्स मायोग्लोबिन टू बाइंड ओ2 मोर इफेक्टिवली। ऑप्शन सी है भाई हमारा इनेबल्स मायोग्लोबिन टू फिक्स अप CO2 इन द मसल्स। और ऑप्शन डी है भाई हमारा इनेबल्स होमोग्लोबिन टू यूज इट्स अमाइनो ग्रुप टू फिक्स CO2। तो आपको इनमें से बताना है कोऑपरेटिविटी क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन है भाई हमारा O2 बाउंड टू Ma, O2 बाउंड टू हेमिंग, रीजन क्या है, कैसे बाइंड करता हो, क्या उसका फैशन होगा। पहला इन ए लीनियर फैशन, लीनियर फैशन में वो बाइंड करेगा। ऑप्शन बी इन ए बेंट वे, बेंट वे में बाइंड करेगा। सी इन ए साइड वे सिमेट्रिकल इंटरेक्शन, इन ए साइड वे सिमेट्रिकल इंट्रैक्शन, ओडी है इन ए अनसिमेट्रिकल, इन ए अनसिमेट्रिकल इंटरेक्शन। तो आपको इनमें से बताना है जो एम ए है उसका बाइंड करने का जो तरीका है ओ2 का वो कैसा है, लीनियर है, बेंट है, साइड वे सिमेट्रिकल इंट्रैक्शन है या अनसिमेट्रिकल इंटरेक्शन है। क्लियर है। उसके बाद आता भी हमारा नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, लास्ट जो है भाई हमारा आखिरी पांच क्वेश्चन आ गए हैं। 31st है भाई होमोग्लोबिन ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ए आयरन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए ब्लड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज, हमें क्या बतानी है भाई आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेज क्या है, स्टेट क्या है, जीरो ऑप्शन बी प्लस वन, ऑप्शन सी प्लस टू, ऑप्शन डी प्लस फोर। उसके बाद 32 क्वेश्चन हमारा, द फ्लोरोकार्बन्स, द फ्लोरोकार्बन्स आर ऑफ मच एनवायरमेंटल कंसर्न, आर ऑफ मच एनवायरमेंटल कंसर्न बिकॉज, जो क्लोरोकार्बन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं बिकॉज, नंबर ए ऑप्शन ए है भाई हमारा दे हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट, दे हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन बी है भाई हमारा दे डिस्ट्रॉय द OH रेडिकल जनरेटेड फोटोकेमिकली फ्रॉम वाटर वेपर्स, फ्रॉम वाटर वेपर्स। ऑप्शन सी दे फोटोकेमिकली जनरेट्स क्लोरीन एटम विच कैटालिटिकली, पीछे कैटालिटिकली डिस्ट्रॉयज द स्ट्रेटोस्फेरिक, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। और लास्ट में डी ऑप्शन हमारा दे जनरेट एक्सट्रीमली टॉक्सिक COCl2 एंड COF2 बाय रिएक्टिंग विद ए O2 फोटोकेमिकली। तो कौन सा जो रीजन है जो भाई इनके लिए कंसर्न लेकर के आता हो बताना,
53 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोग्लोबिन इज नॉट करेक्ट है। इनमें से बताने भाई कौन सी स्टेटमेंट होमोग्लोबिन के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी द बाइंडिंग विद O2 इज वीकर इन कंपैरिजन विद ए मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के कंपैरिजन में भाई जो O2 की बाइंडिंग है वो वीकर होती है। सेकेंड आयरन इज कोप्लेनर विद ए पोरफायरिन रिंग इन कंपैरिजन विद ए मायोग्लोबिन थर्ड स्टेटमेंट है भाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2 और ऑप्शन डी है भाई ऑल ऑफ द। तो आपको बतानी है भाई कि आयरन के रिगार्डिंग जो होमोग्लोबिन होता है हमारा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है होमोग्लोबिन के केस में। 34th क्वेश्चन आता है भाई हमारा इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बिसाइड्स Fe इज। आपको बताना है कौन सा मेटल आयन जो है वो इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, बी जिंक, सी मैग्नीशियम, डी कॉपर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन भी हमारा इस सीरीज का बायोलॉजी का 35th क्वेश्चन इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर। कौन कौन सी मेटल आयन्स जो इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर। ऑप्शन ए Na एंड K पॉजिटिव, ऑप्शन बी Zn2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव और ऑप्शन डी Cu2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। तो ये थे भाई हमारे 35 क्वेश्चंस। इसके जो आंसर है आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दें और या फिर अपना वैसे चेक कर लें भी, बताएं कमेंट करके जरूर कि आपको 35 क्वेश्चंस के अंदर जो है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके आंसर की मैं दूंगा। तो कमेंट करके उससे पहले ज़रूर बता दें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।